एक गोटी और पीट दी। क्या भाई रमेश, गेमिंग खेलते रहोगे, फ्यूचर का भी कुछ सोचा है? अरे विजय भाई, बहुत सोचा है, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। हाँ तो क्या सोचा है? अरे भाई, बिजनेस करने का प्लान है, प्लान अपना रेडी है। अच्छा तो दिक्कत कहाँ है फिर? अरे पैसे की दिक्कत है यार विजय भाई, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि है ही नहीं। अरे तो घर है ना तुम्हारे पास? हाँ है। तो घर के बदले लोन ले लो। अरे यार विजय भाई, पागल हो गए हो क्या? पूरे घर गिरवी रख दूंगा तो रहूंगा कहाँ? अरे उसी घर में रहोगे तो वो कैसे? रमेश को लग रहा है कि वो बिजनेस के लिए बैंक में घर गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं तो उनके सिर से छत चली जाएगी, जैसा कि गोल्ड लोन में होता है, सोना जमा करके ही कर्ज मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी घर के बदले कर्ज कब लिया जा सकता है? पर्सनल लोन के मुकाबले प्रॉपर्टी के बदले कर्ज लेना कितना ठीक है? क्या कारोबार के लिए प्रॉपर्टी पर लोन लेना सही है? आइए समझते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी लैप सिक्योर्ड लोन है। बैंकिंग की भाषा में इसे मॉर्गेज लोन भी कहते हैं। इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे मकान, फ्लैट या दुकान को बैंक या NBFC के पास गिरवी रखकर कर्ज लिया जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें मिली रकम के इस्तेमाल को लेकर कोई बंदिश नहीं है। बिजनेस करने, घर बनाने या मरम्मत कराने, शादी, ब्याह, बीमारी, कर्ज चुकाने और दूसरी निजी जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व डेप्यूटी जनरल मैनेजर सुरेश बंसल बताते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि इसकी ब्याज दरें पर्सनल लोन से कम होती हैं। प्राइवेट बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी मानकर फंड दे देते हैं, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक बिजनेस प्रपोजल, सेल और प्रॉफिट, रीपेमेंट कैपेसिटी जैसी चीजें कैलकुलेट करने के बाद ही लोन अप्रूव करते हैं। सरकारी बैंक प्लॉट और खेती की जमीन के मामले में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। सिक्योर्ड लोन होने के नाते लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ब्याज दरें कम होती हैं, क्योंकि बैंक को पूंजी डूबने का जोखिम कम रहता है। आमतौर पर बड़े बैंक 10-11% की दर से इस तरह का कर्ज देते हैं। ये आपके प्रॉपर्टी के टाइप, क्रेडिट स्कोर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और रीपेमेंट टेन्योर पर निर्भर करेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इनकी दरें टिपिकली होम लोन दरों से थोड़ी महंगी होती है और पर्सनल लोन से थोड़ी सस्ती होती है। अगर मैं आपको एक बड़े सरकारी बैंक का उदाहरण दूं तो आज उनकी होम लोन रेट जो है 8.5% चल रही है, उनकी पर्सनल लोन रेट करीब 11% चल रही है और उनकी जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेट है वो करीब 9.95% चल रही है। इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फी, लीगल फीस वगैरह देने पड़ेंगे लोन अप्लाई करते समय। टिपिकली एक फ्लोटिंग रेट लोन में आपको प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगा। अगर आप फिक्स्ड रेट लोन ले रहे हैं तो आप उस पर प्रीपेमेंट चार्जेस देंगे। इसके अलावा आमतौर पर आपको चेक बाउंस और लेट पेमेंट फीस वगैरह के अलग अलग पेनल्टीज या चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब बात ब्याज दरों की। bankbazaar.com के मुताबिक प्रॉपर्टी के बदले 15 लाख रुपए 7 साल के लिए लेने पर कोटक महिंद्रा बैंक 9.50% पर लोन दे रहा है, पंजाब नेशनल बैंक 10.4%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10.6%, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 10.85% और एक्सिस बैंक 11% की दर से लोन दे रहे हैं। प्रॉपर्टी की बाजार कीमत के आधार पर लोन की रकम तय होती है। आमतौर पर बैंक या NBFC कीमत का 60-70% तक लोन देते हैं। अधिकांश बैंक 7.5 करोड़ रुपए तक का लोन देने का दावा करते हैं। लोन का टेन्योर अधिकतम 15-20 साल होता है। लंबा टेन्योर और लोन की मोटी रकम इसे पर्सनल लोन के मुकाबले आकर्षक बनाता है। ये बिजनेस ओनर्स को समझना चाहिए कि किस तरह से वो अपने बनाई हुए एसेट्स को गिरवी रख के कम दामों पे फाइनेंसिंग ले सकते हैं और उससे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, और जब वो लोन पूरा चुका देंगे तो उनकी वो प्रॉपर्टी उनको वापस कर दी जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाएंगे। रमेश की तरह कई लोगों को लगता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक के पास सिर्फ कागजात जमा होते हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप पहले की तरह कर सकते हैं। इस लोन का इस्तेमाल बिजनेस के अलावा नई संपत्ति बनाने और किराए से कमाई के लिए भी किया जा सकता है। समझिए कैसे। माना एक व्यक्ति है एक्स, अपनी 4 दुकानों पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रूप में 1 करोड़ रुपए उधार लिए हैं उसने।
इन पैसों से वो दो और दुकान खरीदता है। ऐसे में इन दो दुकानों से जो किराया आएगा इसका इस्तेमाल वो ईएमआई भरने में करेगा। कर्ज चुकाने के बाद उसे अपनी चार दुकानों के कागजात वापस मिल जाएंगे और वो दो दुकान भी बना लेगा। इसी तरह वाय जिस घर में रह रहा है उसे और बनवाने या दूसरा घर खरीदने के लिए लोन लेता है, तो ये किराए से कमाई का जरिया बन सकता है। वाय घर के नए हिस्से को या नए घर को किराए पर उठाकर रेंटल इनकम कमा सकता है। अगर आपको प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी हो या मकान खरीदना हो, आप सबसे पहले होम लोन या होम कंस्ट्रक्शन लोन भी देख सकते हैं। आपको सीधे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो विकल्प नहीं आपके वो मिल रहे हों तो आप फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको सबसे कम दामों में सबसे कम दरों पर फाइनेंसिंग मिल जाए और आपको ज्यादा दर ना देने पड़े, क्योंकि उससे आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट जो है बढ़ जाते हैं। हमारे देश में रेंटल यील्ड्स जो हैं वो काफी कम है, 2-3% से ज्यादा कमाना मुश्किल होता है। तो अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ का घर बना रहे हो तो ये पॉसिबल है कि उस पर सारे खर्चों के बाद आपकी कमाई 1-2% यानी कि 2-3 लाख रेंट में रेंट से ज्यादा नहीं होगी। ये हम बड़े शहरों में तो ऐसा ही देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के दाम भले ही बड़े हों, रेंट उतनी तेजी से हर जगह नहीं बढ़ते हैं। तो जो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो शायद सेविंग्स बैंक अकाउंट से भी शायद कम मिले। अगर रमेश की तरह आप भी बिजनेस के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि कर्ज तभी लें जब आप इसे चुका सकते हो। प्रॉपर्टी के सारे कागज बराबर रहें और अप टू डेट रखें। कर्ज नहीं चुकाने पर प्रॉपर्टी नीलाम करके रकम की वसूली की जाती है। कई बैंकों से जरूर मोल भाव करें ताकि लोन के लिए आपको अच्छी डील मिल सके। और हाँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अगर बिजनेस के लिए करेंगे ना तो आपको कर कटौती का भी फायदा मिलेगा, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल अगर आप किसी निजी काम के लिए करेंगे तब आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो इसे यूज करने के पहले इसके सारे नियम और कायदे समझ जरूर लीजिएगा।